लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के मंशा के अनुरूप आज प्रदेश में 26 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज इसी क्रम में इंदिरानगर वार्ड 86 के पार्षद वीरेंद्र कुमार जसवानी ने वृक्षारोपण अपने क्षेत्र के पार्कों में किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी ने वृक्षारोपण किया। स्वामी विवेकानंद पार्क, शिवाजी पार्क, तथागत पार्क में वृक्षारोपण किया। सभी ने भारत माता की जय का नारा लगाया और माननीय आदित्यनाथ योगी जी के उद्देश्य का आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अधिकारियों ने वृक्षारोपण करके पेड़ लगाओ देश बचाओ का नारा भी लगाया। सभी क्षेत्रवासियों देशवासियों से अपील भी की कि आप लोग पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। जैसे इंसान को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हम लोगों को पेड़ की भी जरूरत है। सुधीर हलवासिया जी ने कहा कि लखनऊ में 110 पार्षद हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पेड़ लगाएं और लोगों को भी जागरूक करें। ऐसे पेड़ लगाएं जो हमें आगे चलकर भविष्य में यादगार रहें और हमें फल फ्रूट भी मिलते रहें। इसके लिए जनता क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को कैसे किस तरह से जागरूक करना चाहिए? आज के युग में ये भली भांति जनता भी जान रही है कि हमें प्रकृति पे निर्भर पूरा होना पड़ेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने आज सुबह वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और 26 करोड़ वृक्ष प्रदेश में लगाने का संकल्प लिया है। इसी प्रकार से हमारे इंदिरानगर क्षेत्र में कर्मठ पार्षद वीरेन्द्र सिंह गिरू जी ने इस विवेकानंद पार्क में जो वृक्षारोपण की पहल की है, सचमुच ये एक बहुत सुंदर पहल है। लखनऊ आपको पता होगा पहले उद्यानों का शहर कहा जाता था और बाद में पॉपुलेशन बढ़ती गई, कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ गए। अगर सब पार्षद मिलके 110 पार्षद लखनऊ के मिलके इस संकल्प को लेके आगे बढ़ें, हमें लखनऊ को वृक्षारोपण कर ग्रीन और क्लीन सिटी बनाना है, तो ये सचमुच सभी के लिए अच्छा संदेश है और सभी के लिए। लखनऊ से संवाददाता समीर नकवी के साथ कैमरामैन इस्लामुद्दीन की रिपोर्ट।